दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं सैमसंग से कि दोस्तों सैमसंग का जो अपकमिंग M01 वाला स्मार्टफोन है एंड दोस्तों जो M11 वाला स्मार्टफोन है वो दोनों स्मार्टफोन दोस्तों फाइनली June 2 में लॉन्च हो सकता है। यह दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका कुछ टीज़र वगैरह निकल के आ चुकी थी और ऐसी भी खबर निकल के आ रही है कि दोस्तों जो M01 वाला स्मार्टफोन है वो शायद आपको अबाउट 9000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टेक न्यूज़ की और जो कि निकल के आ रही है मित्रो ऐप से। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले मेरे टेक न्यूज़ में भी बताया था और मैंने बताया था कि ये जो ऐप है ये टिकटॉक जैसा एक ऐप है जो कि इंडियन डेवलपर द्वारा बनाया गया है। लेकिन आज जैसे ही खबर निकल के आ रही है कि दोस्तों ये जो ऐप है ये कोई भी इंडियन डेवलपर द्वारा बनाया गया नहीं है दोस्तों। तो ये एक ऐप है पाकिस्तान का टिकटिक ऐप बोल के, उसी को कुछ मॉडिफाई वगैरह करके किसी ने मतलब इंडियन डेवलपर ऐप बोल के इसको लॉन्च किया था। तो दोस्तों अगर आप ये इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें बहुत सारी प्राइवेसी की इश्यूज़ भी आ रही है और मैंने इसके ऐप के बारे में बताया था, तो उसके रिलेटेड आपने सुन के अगर इसको डाउनलोड किया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड इसे दोस्तों अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कृपया करके इसे अनइंस्टॉल भी कर दीजिए। तो दोस्तों लगे हाथ जूम ऐप की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों जूम ऐप ये एक दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसके द्वारा आप वीडियो कॉल वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते हो। इसके ऊपर दोस्तों हाल ही कुछ दिन पहले कुछ प्राइवेसी को लेके इश्यूज़ वगैरह देखने को मिले थे एंड इसके कारण दोस्तों बहुत सारे यूज़र्स ने इसे यूज़ करना बंद भी कर दिया था। तो अब जूम ऐप की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही है कि उन्होंने ऐसा बताया कि दोस्तों अगर आप ये इस ऐप को पेड सर्विस से इस्तेमाल करते हो, मतलब दोस्तों आप अगर इस ऐप को यूज़ करने के लिए इस ऐप के जो डेवलपर हैं उनको पैसा देते हो तो आपको ज़्यादा प्राइवेसी मतलब इनक्रिप्शन देखने को मिलेगी मतलब फ्री सर्विस यूज़र से। मतलब दोस्तों ये उनकी तरफ से डायरेक्ट एक मैसेज है यूज़र्स को कि आप अगर इस ऐप को फ्री में यूज़ करते हैं तो आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा। तो दोस्तों सच में यही ऐप के थ्रू से भी पता चल रहा है कि आजकल फ्री के आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों वन प्लस की तरफ से एक खबर आ रही है कि जो वन प्लस का मैक्लेरन एडिशन हमें देखने को मिलता था, जो वन प्लस की तरफ से स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन आते थे जिसे मैक्लेरन एडिशन बोल के मतलब लॉन्च किया करते थे, तो दोस्तों वो शायद अभी हमें देखने को ना मिले क्योंकि एक NDTV इंडिया की तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि दोस्तों वन प्लस और जो मैक्लेरन का पार्टनरशिप था वो अभी नहीं रहा। तो दोस्तों मतलब कि आपको आगे जाके शायद मैक्लेरन एडिशन या फिर वन प्लस का कोई स्पेशल एडिशन फ़ोन देखने को ना मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी टेक न्यूज़ की ओर जो कि निकल के आ रही है सोनी की तरफ से कि दोस्तों कल ही शायद मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि सोनी शायद अपने प्लेस्टेशन 5 को लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों सोनी की तरफ से फाइनली एक ऑफिशियल टीज़र निकल के आ चुकी है जिसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि फाइनली जो प्लेस्टेशन 5 है वो शायद हमें June 4 को उनके इवेंट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों क्या आप इस प्लेस्टेशन के लिए इंटरेस्टेड हो या क्या आप प्लेस्टेशन अपने घर में इस्तेमाल करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक न्यूज़ पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर ऑसम कंटेंट। थैंक यू।